नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बजटिंग रिटेलर के लिए बजटिंग का प्रोसेस बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरह ब्लड एक जिंदगी के लिए है तो बजटिंग रिटेलर को क्या करनी है किस चीज़ की करनी है इट इज़ एक्चुअली अबाउट द एक्सपेंडिचर्स इट इज़ एक्चुअली अबाउट द सेल्स तो उसको हर परस्पेक्टिव में अपने एस्पेक्ट को कवर करना है अगर हम जनरल बात करें सो so, और अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम रिटेलर को अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स को बजट करना है ताकि वेल्यूएट कर सके ऑन अ सेट गिवन परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के ऊपर कि मुझे कितनी परफॉर्मेंस करूं क्या मेरी अचीवमेंट हो क्या नंबर मैं अचीव करूं और उस नंबर के अकॉर्डिंगली मेरे क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे वो टोटल एक्सपेंडिचर्स तो एक्चुअली जब हम बजटिंग की बात करेंगे तो ये दोनों बातों को को कंसिड्रेशन में लेकर आ रहा होगा एक तरफ तो वो एनालिसिस कर रहा होगा टोटल एक्सपेंडिचर्स का क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे कितने खर्चे होंगे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स पीरियड ऑफ क्वार्टर क्या मेरे टोटल एक्सपेंडिचर्स होंगे और उसके अगेंस्ट वट परफॉर्मेंस दैट आई विल डिलीवर और वाइस वर्सा मैं परफॉर्मेंस का प्लान करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंडिचर्स को सेट करूँगा तो दिस इज नंबर वन नंबर टू कॉस्ट आर एक्चुअली लिंक टू सेटिसफाइड टारगेट मार्केट एम्प्लॉयी एंड एज वेल एज कोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट के गोल तो जब हम बात करेंगे जितनी भी कॉस्ट जो हमने कैलकुलेशन में डालनी है बजटिंग में डालनी है एम्प्लॉई का परस्पेक्टिव भी होगा कस्टमर का परस्पेक्टिव भी होगा और मैनेजमेंट का परस्पेक्टिव भी होगा ऑफकोर्स मैनेजमेंट का मेन की रोल ये होगा टारगेट ये होगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट की कम से कम कॉस्ट हो कम से कम एक्सपेंडिचर्स हों कस्टमर का पर्सपेक्टिव ये होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मिलें और मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या होगा कि कैसे इन दोनों को आपको कंट्रोल इन दोनों को दोनों ऑब्जेक्टिव्स को वो कंट्रोल कर सकें अगर मार्केट की बात करें हम मार्केट के गोल्स क्या है कि आपने कंपेटिटिव रहना है वो तमाम चीज़ें ऑफ़र करनी है जो कि आपको कंपेटेटर ऑफ़र कर रहा है मैं आपको क्विक एग्जाम्पल देता हूँ एक रिटेलर अगर आज के दिन में एक्स सर्विसेज भी इज फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी सर्विसेज ऑफर कर रहा है और दूसरा रिटेलर वो ऑफर नहीं कर रहा दोनों सर्विसेज की कोई ना कोई कॉस्ट है तो अगर आपने एज ए रिटेलर ये सर्विस ऑफर करनी है तो देर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट बिकॉज यू नीड टू सेटिस्फाई योर कस्टमर तो वो तमाम सेट ऑफ कॉस्ट कंसिडरिंग कस्टमर मैनेजमेंट मार्केट इन टू कंसिडरेशन उस रिटेलर ने उनको लिंक करना है अपने बजटिंग प्रोसेस के साथ और ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्यूरेसी लेके आई जा सके प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ताकि फंडिंग इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई भी गैप ना आए जो कोई भी एक रिटेलर जो है एलेवेंथ आवर के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करता आपका जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट नहीं करता दे एक्सपेक्ट कि जो भी वर्किंग हो उसके पूरे पैरामीटर्स मौजूद हों तो बजटिंग इज द की प्रोसेस कैसे इसका प्रोसेस है ये कैसे काम करती है ये हम अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे